इंडेक्स डॉट एच टी सही है। ओके एक्सक्लेमेशन मार्क और शिफ्ट एफ। एडवांस जेएस सही है। स्क्रिप्ट नोटिस डॉट स्लैश एप डॉट जेएस। सेव किया रन कंट्रोल डॉट लॉग। लर्निंग सेव वापस आते हैं। ओके क्लियर है, स्टार्ट करें। अच्छा सबसे पहले थोड़ी थ्योरी बताता हूँ हमने क्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ने लगे हैं और उसका जो पढ़ रहे हैं उससे क्या लेना देना है। ठीक है, हमने एडवांस वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, वार लेट कॉन्च करेक्ट। ठीक है, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट इक्मा स्क्रिप्ट के जो फंक्शन आए हैं वो क्या होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा इक्मा स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है वो 2015 के बाद से आना शुरू हुई है और तब से रिलीज हुई है। हर साल उसका कोई ना कोई नया फीचर आता है जो कि जैसे कि 2016 2017 के नाम से अनाउंस हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्मा स्क्रिप्ट 2022। ठीक है, तो हर साल इसे कोई कोई ना कोई नए फीचर आते हैं एक दो, तो वो आपको काम करने के साथ साथ हथियार पता चलते रहेंगे। ठीक है, एक दो बेसिक फीचर्स मैं बताता हूँ, उसके बाद जो है हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। सही है, ओके। वो मैंने ग्रुप पे शेयर किए थे लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा ग्रुप है जिसमें आप लोग सब ऐड हो, मेरा पर्सनल ग्रुप जो है। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू लेता हूँ। डेसिमल पॉइंट वैल्यू क्या होती है, जिसमें नंबर आता है, जिसमें पॉइंट में नंबर आता है उसे क्या कहते हैं। सही है, इस इक्वल टू 12.123। सोल डॉट लॉग डेसिमल वैल। ठीक है, अब मुझे चाहिए पॉइंट के सिर्फ पहले के नंबर, क्या यूज करेंगे, डॉट फ्लोर। सही है, मैट डॉट फ्लोर क्या करता है, आपका जहां भी डेसिमल पॉइंट उसको मिला वो डेसिमल पॉइंट के उल्टे हाथ पे जो भी वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा। डेसिमल पॉइंट और उसके राइट हैंड पे जो भी वैल्यू है उसको वो नहीं यूज करेगा। ठीक है, अगर मैं वो लिखूं तो डेसिमल वैल इज इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर डेसिमल वैल। सेव किया। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं था, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको एडवांस जावास्क्रिप्ट 2022 ने किस तरह करा है वो भी हम करके देखते हैं। कॉपी किया, डेसिमल वैल इज इक्वल टू दिस। मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ, कोड हमारा कितना छोटा हो रहा है वो भी आप देखो पहले। ठीक है, मैंने आपको टेम्पलेट लेटर्स पढ़ाए थे। ठीक है, वो बटन आपने ये होते हैं, सही है, आपने इसको भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ये आपने शिफ्ट दबा के पहले लिखा आपने डेसिमल वैल और शिफ्ट दबा के वही बैकटिक्स वाला बटन टू टाइम्स, ये वाला ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, ये आपके सिंपल वर्ड्स में वही काम करता है जो मैट डॉट फ्लोर का काम है। ठीक है, कभी भी जब आपको मैट डॉट फ्लोर में वैल्यू चाहिए हो या डेसिमल और डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए तो अब आपको मैट डॉट फ्लोर की नीड नहीं है, आप ये यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मैट डॉट फ्लोर। सही है, सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। क्लियर है, आसान हो गया, छोटा भी हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। लेट माई नेम, मैंने तीन वेरिएबल बनाने हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया है। माई नेम इज इक्वल टू दिस, लेट टाइटल इज इक्वल टू ENGLER, ठीक है। लेट कंपनी इज इक्वल टू एलएस, एलएस, ठीक है। तीन लाइनें हमारी खर्च हो गई और तीन वेरिएबल्स हमारे पास डिक्लेयर हो गए, ठीक है। अगर हमने किसी वेरिएबल का नाम नहीं रखना तो हम इस तरह जरूर रख सकते हैं, लाइक मैं एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर लिख लूं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये लाइन सबको क्लियर है। दो अनडिफाइंड वेरिएबल डिक्लेयर है, सही है। तो ये चीज तो चलो खैर जावास्क्रिप्ट की है, ये ECMAScript स्क्रिप्ट ने बोला कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स अगर आपको डिक्लेयर करने हैं एक साथ और आपको वैल्यूज भी पता है तो आप इस तरह कर सकते हो, हम उस तरह करके उसको चलाकर देखते हैं, ठीक है। लेट एरे माई नेम टाइटल कंपनी स्टिल एरर इज इक्वल टू एरे, इसके अंदर एरे साइन है, कॉपी एक्सक्यूज ठीक है। तीन वेरिएबल्स अब हमने एक लाइन में डिक्लेयर कर लिए हैं जिसमें आप 8-10 जितने मर्जी करना चाहो कर लो, अगर आपको पता हो कि वैल्यू यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप कब यूज करोगे, जब वैल्यू कांस्टेंट है। अभी मुझे पता है अहमद चेंज होने वाला नहीं है, टाइटल भी चेंज होने वाला नहीं है, टेंपल्स भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई नेम कॉमा टाइटल, कॉमा कंपनी, ठीक है, सेव किया, सही है। जो तीन लाइन का काम था वो एडवांस जावास्क्रिप्ट ECMAScript ने आपका एक लाइन में कर दिया, सही है। आगे बढ़े, ओके। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, सही है। उसका नाम है जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस, पढ़ा है किसी ने, देखा पहले कहीं पे, समझ आ रहा है आपको, सही है, ओके। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, ओके। बल्कि पहले एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद प्रॉमिस, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट एडिशन, बल्कि एडिशन 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 ही फंक वन, फंक वन इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इसको कोई नेम मिलने वाला है, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज, जो भी नेम आने वाला है। ये लाइन क्लियर है, क्या हुआ है, सब सबको क्लियर है क्या हुआ है। एडवांस जावास्क्रिप्ट में मैंने कॉनकेटिनेशन करी हुई है जो टेम्पलेट लिटरल्स और बैकटिक से होती है, ठीक है। फंक वन कॉल किया, सेव किया और रन किया, अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, आर्गुमेंट पास नहीं हुआ हुआ तो पैरामीटर में कुछ मिला नहीं, करेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया, सही है, ओके, इतना क्लियर है। एक और फंक्शन बनाते हैं, और इसका नाम मैंने दे दिया पंक टू। ठीक है, पंक टू में मैंने दिया, और इसको भी पैरामीटर में कोई नेम रिसीव होगा, और यहां मैंने बोला कि द पर्सन नेम इज नेम, ऐसा करते हैं, इस नेम को मैं माय नेम कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। माय नेम कर दिया मैंने इसको कॉपी, और यहाँ पर है अब मेरे पास माय नेम। ठीक है, क्लियर है, एक दूसरा फंक्शन बनाया बस मैंने। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करा, माय फंक्शन वन इज रनिंग, फंक्शन टू इज नॉट रनिंग, वाई? क्योंकि कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां मैंने पास कर दिया फंक्शन टू, फंक्शन टू मैंने फंक्शन वन के पैरामीटर में आर्गुमेंट में पास कर दिया, अब वो फंक्शन वन के पैरामीटर में मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, पंक हैंडलर, सही है, पंक टू हैंडलर कर देते हैं ताकि रेलेवेंट नेम रहे। ठीक है, मैंने बोला कि इफ नेम अगर है तो आप कर दो पंक टू हैंडलर को चला दो, और उसमें भेज दो यही वाला नेम। सेव किया, ये कोड किस किस को समझ आया? रन करते हैं और उसके बाद बताता हूं। माई नेम इज अहमद आया, उसके बाद उसने बोला द पर्सन नेम इज अहमद, क्या हुआ? दोबारा देखते हैं, एक मैंने फंक्शन बनाया विच इज दिस फंक्शन वन, इसको पैरामीटर में क्या कुछ मिल रहा है? नेम और एक हैंडलर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन नंबर 22 की, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई अगर नेम उसका मिल जाए तो नेम का प्रिंट करवा दो। ठीक है, और हमने लास्ट में बोला कि उसके नीचे आते हैं फंक्शन जब खत्म होता है, तो एक और मैंने फंक्शन बनाया फंक्शन टू का, इसका भी पैरामीटर में कोई नेम मिलेगा, जिसके बाद ये चलाएगा द पर्सन नेम इज माई नेम। क्लियर इतना? ओके, फंक्शन वन के पैरामीटर में मैंने पास किया एक अहमद, और जो फंक्शन टू मैंने बनाया था उसको भी मैंने आर्गुमेंट में पास कर दिया। ठीक है, अब जब फंक्शन वन था नेम में उसको अहमद मिला, ठीक है, और फंक्शन टू हैंडलर जो के वन में पास किया हुआ था मैंने एज अ आर्गुमेंट, यहाँ पैरामीटर में रिसीव हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला कि नेम अगर है यानी कि एम्प्टी नहीं है तो फिर आप फंक्शन टू का हैंडलर चला दो और उसमें नेम भेज दो, तभी पहले हमारे ये वाला कंसोल चला माई नेम इज दिस, और उसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ये वाला नेम चला। सही है, किस किस को क्लियर नहीं है? क्लियर है? लाइन नंबर, लाइन नंबर 22 ना 29 वाला फंक्शन नहीं समझ आया? ठीक है, एक फंक्शन टू के नाम का फंक्शन बनाया मैंने, सही है, उसके पैरामीटर में जो है जो कि ये माय नेम है, इसको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जब भी इसको यहां से कुछ मिलेगा ना, मैंने बोला कि कंसोल चला दो द पर्सन नेम इज जो भी पैरामीटर में तुम्हें मिला माय नेम। ठीक है, ओके, अब जब फंक्शन वन था मैंने उसको कॉल किया, यहाँ पर इसको आर्गुमेंट में दो चीजें भेजनी है, एक नेम भेज दिया मैंने अहमद, और मैंने जो मेरा फंक्शन टू बनाया था मैंने वो भी भेज दिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन टू था लाइन नंबर 29 वाला, ये अब असाइन हो गया है किसके अंदर? फंक्शन वन के इस आर्गुमेंट में। ठीक है, फंक्शन वन जब चला है तो अगर आप यहाँ देखो, मैं फंक्शन टू को जब हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो है एक ये, सही है, फिर जब हमारे पास फंक्शन वन जब रन होता है तो यहाँ पर नेम में इसको अहमद मिल गया। ठीक है, ये जो फंक्शन टू हैंडलर है यहाँ पर इसको ये फंक्शन टू मिल रहा है जो एक्चुअली में ये है। ठीक है, जो एक्चुअली में ये है,
मैंने बोला सबसे पहले कंसोल चला दो, माय नेम इज, जो भी नेम में आ रहा है, और उसके बाद चेक करो अगर नेम है, यानी कि नेम है का मतलब इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप फंक्शन टू का हैंडलर चला दो जो एक्चुअली में फंक्शन टू है, और उसको मैंने आर्गुमेंट में भेज दिया नेम। नेम में क्या आ रहा था? अहमद ही आ रहा था। तो जब अहमद ही आ रहा था तो फंक्शन टू में यहाँ पे माय नेम की जगह अहमद पहुंचा, और उसने कंसोल चला दिया माय नेम इज अहमद। जी, क्योंकि कॉल मुझे तभी करना है ना जब मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। अब क्लियर हुआ? ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये हाँ, तो बताने का ये मकसद है कि ये जो फंक्शन आपके पास यहाँ पे फंक्शन टू यूज हो रहा है, और इसको नीचे जो आपने यूज करा है, इट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन बना हुआ कहीं और है और आप उसको किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर से यूज करके उसको अपनी बॉडी में यूज कर रहे हो, इट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मैंने कितना बढ़ाया था? कितना पढ़ाया था, याद है? बस मैंने एक क्लॉक बनाई थी छोटी सी, राइट? सही है, ओके। उस पर आते हैं पहले, थोड़ा ये क्लियर है। ओके, कौन में क्यों लिखा? अब एडवांस जावास्क्रिप्ट वाले फंक्शन यूज करो ना, वो वाले छोड़ो आप, उससे भी चलेगा, वार से भी चलेगा। कॉन्स्टेंट कब यूज करना है? जब आपको पता हो कि मुझे वैल्यूज की चेंज नहीं करनी। जब आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी तो आप वो कॉन्स्टेंट में यूज करो। ठीक है, लेट में आप कब यूज करोगे? नॉर्मल वेरिएबल जब आप बना रहे हो। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, अभी थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन आएंगे जो आपने जवाब देने हैं। ओके, मैं यहां पर आया, मैंने बनाया एक सेट टाइम आउट, एक H1 बना लेता हूं मैं, एक दो H1। हेलो जीएस, और इसको मैंने आईडी दे दी H1। सही है, सेव। वापस आते हैं, इसको भी हटाते हैं। लेट H1 EL इज इक्वल टू, किस तरह बुलाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नॉट माय नेम, H1। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग H1 EL। सेव किया। ठीक है, जो मेरा H1 का एलिमेंट था वो मेरे पास शो हो गया। ओके, एक मैंने सेट टाइम आउट बनाया, इसके अंदर मैंने बनाया एक एनोनिमस, ये जो लाइन है। अच्छा, एक मिनट, यहां पर सपोज करो अभी ये जो टाइम इंटरवल है ये जीरो है, इसको अभी मैं कोई भी टाइम दे रहा हूं, जो कि ये तो समझो कि सेट टाइम आउट में जो दो पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, एक आपका हैंडलर, दूसरा आपका टाइमर, कितनी देर बाद। ठीक है, अब देख बात करते हैं इसकी, ये क्या है? एनोनिमस फंक्शन भी यही है, कॉल बैक फंक्शन भी यही है। एनोनिमस फंक्शन कोई आपसे सवाल करे तो उसका क्या मकसद है? एनोनिमस फंक्शन का मकसद ये है जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, एनोनिमस फंक्शन वो है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या है? जो किसी फंक्शन के पैरामीटर में या उसकी बॉडी में यूज हो रहा हो, ये पैरामीटर में यूज हो रहा है, ये कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि आप क्या करो 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड को कैसे लिखेंगे? 3000, 3000 को एक्सप्लेन करे कोई, मिली सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, एक दो तीन, 3 सेकंड बाद क्या हो जाए? H1 EL डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू BL यू। सही है, वर्क करेगा या नहीं ये आप बताओ। करेगा, 3 सेकंड बाद क्या होगा?
पक्का पक्का ब्लू हो जाएगा या बाद में हट भी जाएगा? पक्का पक्का ब्लू हो जाएगा? वह होगा हो जाएगा फिर। और आप क्या कह रहे हो भाई, 3 सेकंड बाद होके हट जाएगा या उसके बाद पक्का पक्का हो जाएगा? 3 सेकंड3 सेकंड के लिए होगा। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। 1 2 ठीक है, उसके बाद पक्का पक्का हो गया। सेट टाइम आउट क्या कहता है कि आपने मेरे अंदर जो फंक्शनैलिटी लिखी है उतनी देर बाद मैं वो कर दूंगा। आपने उसको ये नहीं बोला कि भाई उसके बाद वो हटाना भी है, उसके लिए आप कोई और फंक्शनैलिटी लिख सकते हो। ठीक है, चलाती रहनी है या नहीं उसके लिए आप यूज करोगे सेट इंटरवेल। ठीक है, सर, हम ये करने 3 3 सेकंड ब्लू। हाँ इसकी फंक्शनैलिटी लिख सकते हो आप, पॉसिबल है। हाँ वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको सेट टाइम आउट की फंक्शनैलिटी के साथ आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, वो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, इज एन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस अगर लिखें तो बोला है सिंक्रोनस सिंगल थ्रेटेड बट विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप एंड प्रॉमिस। सही है, सिंगल थ्रेडेड क्या होता है और सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, आपके पास ये लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, 7 लाइनों का स्पेस काउंट होता है बीच में। ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, सिंगल थ्रेडेड लाइन बाय लाइन उतरना। सिंक्रोनस 1 2 3 4 5 6 7, लाइन बाय लाइन उतरना। सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस एक ही चीज के दो नाम है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई आपसे पूछे कि क्या है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, तो आपका पहला सवाल तो यही है, सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड इज अ जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, एसिंक्रोनस क्या होती है? एसिंक्रोनस ये होता है, एसिंक एसिंक क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है? सबसे पहली बात, एसिंक एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एसिंक्रोनस की। ठीक है, एसिंक्रोनस कोड क्या बोलता है भाई, जैसे कि मैंने बोला 1 2 3, मैं नीचे उतरा, मुझे टाइमर मिला, यहाँ पे जो कंसोल है वो 3 मिनट बाद 3 सेकंड बाद चलना है, और नीचे भी आपके काफी सारा कोड है, वो क्या बोले मैं रुकूं या ना रुकूं। एसिंक्रोनस बोलता है ये जो आपका टाइमर है, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको मैंने अपने पास नोट कर लिया है, आप नीचे उतर जाओ। ठीक है, फिर उसको जहां जहां पे टाइमर मिलता है, इस तरह के अगर इसको 2 3 जगह पर अगर उसको मिले तो वो उनको नोट करता है और आपकी सारी जावास्क्रिप्ट को चला देता है। सही है, तो बेहतर कौन हुआ, एसिंक्रोनस, क्योंकि सिंक्रोनस क्या करेगा, जब उसको टाइमर मिलेगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एसिंक्रोनस क्या करता है, आपके सारे टाइमर्स को कैच कर लेता है और सारी आपके जावास्क्रिप्ट को रन कर देता है, फिर जब जब टाइम कंप्लीट होता है वो उसको तब तब चला देता है। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये सिंक्रोनस है जावास्क्रिप्ट में और एसिंक्रोनस है। अभी समझ आएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी बताइए। ठीक है, कोड से आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। सही है, ठीक है, एक फंक्शन चलाया, और उसमें लिखा रन वन। ठीक है, एक कंसोल लिखा है मैंने, उसमें क्या लिखा हुआ है, रन वन। ठीक, सेट टाइम आउट, ये चलेगा 2 सेकंड बाद, कंसोल डॉट लॉग रन टू। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रन थ्री।
सही है, सर टाइम आउट, नॉट दिस, सर टाइम आउट, जीरो, फोर डॉट लॉग, रन फोर, फोर और एक हम चलाते हैं लास्ट में, 1500। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने, ये आपका एसिंक्रोनस कोड है। ठीक है, ये आपका एसिंक्रोनस कोड है। अब तीनों भाइयों ने अलग अलग बताना है कि क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, एक दफा इसको देखो और आपने बताना है कि 1 से लेकर 5 तक कौन कौन सा कंसोल आएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये चैट का बटन है, एक एक करके यहाँ पे जवाब दो। ठीक है, चैट पे यहाँ पे बताओ, पहले एक ने बता, चलो ठीक है, तीनों अपने अपने बता दो, बता बता देना कि कौन। वालेकुम अस्सलाम, हजरत कैसे हैं आप? सारे 1 से लेकर 5 तक आपने ये बताने, जैसे पहले एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे बताने। पहले 1 हुआ, फिर 5 हुआ, ऐसे। ठीक है, इस लाइन को देखो, कोड को, और फिर देख के बताओ। एडवांस जावास्क्रिप्ट। कंसोल में ही चलेगा, नहीं आए नहीं है। सही है। अच्छा भाई, मुनीब ने क्या बताया है? 1 3 4 5 2। सबसे पहले 1 चला, सही है, उसके बाद 3 चला, सही है, उसके बाद 4 चला, उसके बाद 5 चला, उसके बाद 2 चला, सही है। और उस्मान ने भी 1 3 4 5 2 बोला है डायरेक्ट मैसेज, और आपने बोला है 1, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 5 और 2। लास्ट वाला आपका है, लास्ट वाला आपका है 1 4 3 5 2, राइट। प्रोग्रामर डैश अहमद, सही है। सेव करते हैं और इसको रेंडर करते हैं। ये ये रहा, ये देख लो, क्लास आईडी। ठीक है, ओके, मैंने रिफ्रेश मारा, 1 3 4 5 2, सही है। इसको अब देखते हैं ये हुआ क्या है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से आपका कोड रन हुआ है, उसको सबसे पहले एक कंसोल मिला, उसने रेंडर कर दिया। ठीक, फिर वो नीचे उतरा, उसको टाइमर मिला, उसने टाइमर को नोट करा, नीचे उतरा, कंसोल 3 सिंपल सिंपल मिला, उसने रेंडर कर दिया। ठीक है, फिर उसका टाइमर मिला, उसने नोट करा अपने इवेंट में, उसने नोट कर लिया और नीचे उतर गया, रेंडर नहीं करा। फिर वापस उतरा नीचे, और उसको टाइमर मिला, उसमें 5 रन हुआ है, उसने उसको नोट कर लिया। अब जितने भी रेंडर करने थे उसने वो सारे रेंडर कर दिए। फिर उसने बोला भाई मेरे पास टाइमर्स लगे हुए हैं, फिर उसने आया टाइमर्स के पास और उसने देखा कि यार सबसे
कम टाइम इसका है, तो फिर उसने रेंडर किया 4, 1 के बाद 3 के बाद आया 4, ठीक है। फिर उसने बोला फिर मेरे पास जो टाइमर लगा हुआ है ये सबसे छोटा है, 2, नहीं ये वाला 5, क्योंकि 1.5 मिली सेकेंड इसमें हमने दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसने इसको रेंडर करा और देन उसने इसको रेंडर किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। कोई सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आपने किस तरह बताना है ये अब आपको मालूम है, ठीक है। Yeah. हाँ ये एसिंक्रोनस है, सही है। और सिंक्रोनस क्या होता है? सिंपल सिंपल जो आप रेंडर कर रहे होते हो वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। सिंगल थ्रेटेड भी वही है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी वही है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये है। जी, और इस तरह का जो कोड होगा वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहलाएगा। हाँ तो फिर वो क्योंकि आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट अब आपकी जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच हो चुकी है ना, वो एसिंक्रोनस रन करेगी। अरे बताओ ना कहाँ पे क्या लिखना है, मुझे बताओ, मैं लिख के बताऊं। यार हाँ वो इसके कुछ अब इस तरह के फंक्शंस थे जो इसको कंट्रोल करना पड़ता था, वो अब नहीं चलते हैं, कुछ फंक्शन खत्म हो चुके हैं। क्या रिवाइज करवाता हूँ, एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है। एक दो चीजें बताई थी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ। वार ए इज इक्वल टू ए बी सी, लेट बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है। एक्स, हाँ भाई क्या आएगा? ए आ जाएगा, बी नहीं आएगा, और बाकी सारे दोनों नहीं आएंगे। ए आएगा, दोनों नहीं आएंगे। नई वाले कौन कौन है? दो नई वाले और बाकी दोनों आ जाएंगे। एक एक आ जाएगा, एक बोल रहे दोनों आ जाएंगे, दो बोल रहे नहीं आएंगे, और आप क्या बोल रहे भाई? ए आएगा, सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, अनडिफाइंड। और उसके बाद बोल रहा है रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग जी सही है। अच्छा सबसे पहले देखते हैं ए को, ठीक है, और हम बात करते हैं थोड़ी सी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। वार क्या है? आपका ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। जब आपकी जावास्क्रिप्ट रन हुई उसने बोला यार ए मिला हुआ नहीं है मुझे, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा करो फटाफट अनडिफाइंड फेंक दो और नीचे उतर जाओ, ठीक है। पहली लाइन का जवाब तो ये है, ठीक है, लेट बी, ठीक है, अनकॉट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। बोल रहा है भाई कि आपने जो कंसोल रन किया हुआ है वो बाद में इनिशियलाइज है, मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो लेट है वो ग्लोबल स्कोप नहीं है, सही है। आपको कभी भी लेट का डेटा, सही है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले नहीं दिखाना होगा, जब भी आपने डिफाइन किया होगा वो उसके नीचे ही रेंडर होगा, उससे पहले रेंडर नहीं होगा। वार में तो उसने देखा ना कि भाई एक ग्लोबल वेरिएबल है जो मुझे मिला नहीं, अनडिफाइन रखो नीचे उतर जाओ, तभी तो उसने अनडिफाइन दिया। नहीं ये पहले वाले लाइन 64 64 पे अनडिफाइन मिले वार की जगह, ठीक है। वार के बजाय उसने, जी अगर मैं बी को कमेंट कर दूं तो आप देखो सेव किया, ये जो अनडिफाइन आया है ये बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो जब रेंडर हुआ तो उसने बोला कि भाई ये ग्लोबल वेरिएबल है जो कि मुझे मिला नहीं है, आप ऐसा करो अनडिफाइन रखो नीचे उतरो, ठीक है। फिर अब मैंने बनाया एक बी से, ठीक है, अब जब मैंने इसको रेंडर करा तो वो बोल रहा है भाई कि आपने जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपने लिखी हुई है वो आपने पहले कॉल की हुई है बाद में इनिशियलाइज की हुई है, तो मैं स्टक हो गया, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लैंग्वेज, ठीक है।
करके कोड को आगे चला देगा। चला देगा, ठीक है। लेट पे आके वहां पे आप बात फंस जाओगे कि बोल रहे भाई कि मैं अलाउ नहीं करूंगा कि भाई कोई चीज आपने पहले एक्सेस की हुई है और बाद में उसको डिफाइन किया हुआ है। क्लियर है? हेलो कॉल कर कहाँ कॉल किया हुआ है? सिर्फ दो वेरिएबल हैं। भोपाल इससे भी ऊपर सोचो भोपाल ये एक मिनट, लाइन नंबर 24, ठीक है। लाइन नंबर 24 में क्या हो रहा है? देखो सुनो मेरी बात, एक फंक्शन टू बनाया हुआ है, सही है। यहाँ पे इसको नेम मिल रहा है और ये वो कंसोल में रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और एक मैंने फंक्शन वन बनाया हुआ है, मैंने फंक्शन टू को कहीं बाहर कॉल नहीं करा, लेकिन मैंने फंक्शन वन पे कॉल करा। एक एक आर्गुमेंट में मैंने उसको अहमद दिया, दूसरे आर्गुमेंट में मैंने उसको फंक्शन टू दिया, ठीक है। अब अहमद उसको नेम की जगह मिल जाएगा पैरामीटर में, और फंक्शन टू हैंडलर में उसको फंक्शन टू मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला कंसोल चलाने में तो उससे कोई मसला नहीं हुआ। फिर मैंने बोला अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो फंक्शन टू हैंडलर चलाओ और वहां पर उसको नेम भेज दो। तो माई नेम में तो अहमद चला गया, वो रेंडर हो जाएगा। नहीं है तो ऊपर सही है, सही है, लेकिन गया तो नीचे से है। सही है, गया तो नीचे से है ना, इस कोई वजह से उसको एक्सेस हो गया। नहीं है। बताओ क्या करना है, समझे? अभी जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको और समझ में आएगा, ठीक है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ में आया? ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। लेट और वार का डिफरेंस भी आपको मजीद समझ में आ गया, ठीक है। वार जहां पे आपको अनडिफाइन मिलेगा, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अनडिफाइन छोड़ के नीचे उतर जाएगा, लेट आपका कोड वहीं पे ब्लॉक कर देगा, बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। असिंक्रोनस है लेट असिंक्रोनस नहीं, स्क्रिप्ट जी 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 एसिंक्रोनस। हाँ सही है। आओ वापस आओ, लेट नॉट दिस, सही है। अभी जो है ना, अभी जो मैं एक एसिंक्रोनस कोड लिखूंगा, जब मैं किसी को बोलूं तब उसने कंसोल पे जवाब रिटर्न करने हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं करने। मैं काम करता हूँ, दूसरी मीटिंग बना लेता हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट दे रहा है। लेट्स सी।